मुझे कह रहे पकड़ाती जाओ पकड़ाती जाओ, मेरी इन्होंने दौड़ लगवाई हुई है। हाँ जी पानी डाल। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी जबरदस्त लुक चावलों की, माशाल्लाह जी बहुत अच्छे बने हैं जी। ऐसा लग रहा है मेरे सामने देग आ गई है या बिरयानी आ गई। रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जी संडे है और बहुत प्यारा मौसम है जी, धूप निकली हुई है, नीचे जी बहुत ज़्यादा ठंड है, हम ऊपर आ गए। ये देखिए जी सारे चीज़ें हमने पास रखी हुई हैं। तो ये देखिए जी मैंने प्याज वगैरह छीन लिया, टमाटर शमाटर सब कुछ ही मेरे पास पड़ा हो। तो आज हम बनाने वाले हैं जी खास रेसिपी पुलाव की, सब्जियों वाला मिक्स पुलाव बनाएंगे। तो बिल्कुल जी सादा सिंपल तरीके के साथ बनाएंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। मौसम आपको दिखाते हैं जी ऊपर से ही गाँव का, आज क्या मौसम है जी, और व्यू बहुत खूबसूरत आता है जी। तो बाजी भी आ जाती है, फिर मिलकर जी आपके सारा दिन शेयर करते हैं। तो आप हमारे साथ रहना। ये देखें जी मौसम बहुत खूबसूरत है, सूरज जी बिल्कुल क्लियर सामने माशाल्लाह। और ये देखें जी जगह पे बहुत ज़्यादा धूप है, बाजी भी आ गई है, आलू वगैरह जी ये कटिंग करने लगी हैं आलूओं की। ये देखें जी सारे अच्छा है, अभी फिलहाल जी टमाटर काट रही हैं, आलू इधर हैं, सारा कुछ जी पड़ा हुआ है इधर, मटर सारा कुछ। तो दिखाते हैं जी आपको मौसम बहुत खूबसूरत, क्लियर दोपहर है जी आए तो माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दोपहर जी, और लोग जी मस्त हैं, अपने अपने कामों में काम कर रहे हैं जी सब लोग। तो अभी भाई ये देखिए जी मैं ले आई हूँ जी देचा, इसको लगाते हैं जी मट्टी। और सब्जियाँ तैयार है भाजी? हाँ तैयार। चलो जी इनको भी वॉश करते हैं और इसको पहले मट्टी लगा। देखो जी मैंने मिट्टी लगा दी है, उधर हस्बैंड साहब जी आग जलाने की तैयारी करने लगे हैं, और मैं जी नीचे जा रही हूँ लहसुन अदरक को बारीक करने दूरी में। तो भी मैं साथ सब्जियों को जी हम करने लगे हैं वाश, और उसके बाद जी हम बनाने लगे हैं जी अपने पुलाव रेसिपी। आग जी जला रहे हैं असर साहब, और कोई चीज नहीं जी पास लेके बैठे, और सारी जी मुझे कह रहे पकड़ाती जाओ पकड़ाती जाओ, मेरी इन्होंने दौड़ लगवाई हुई है। मैं सुबह से बहुत काम कर रहा था, बहुत क्या किया है आपने मुझे बताए? बाल कटवाए हैं, सब्जी वगैरह लेके आया हूँ, नहाया हूँ, नहाने पे ये जी 4-5 घंटे लगाए हैं। और तभी जी हमारी रेसिपी जो है वो दोपहर से खाने की थी, अब शाम के खाने की बन गई है। तो क्या टाइम मिले जी? अब लेट हो गए हैं, सुबह से जी मैं नाश्ता भी नहीं किया, मैंने सोचा कि दोपहर को यही खाएंगे बना के, इन्होंने तो नाश्ता कर लिया पराठों के साथ। तो अब जल्दी जल्दी बनाती हैं जी, जल्दी जल्दी भूख लगी हुई है जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भूख आपको तो नहीं लगी? लग गई है, मेरे साथ फिर लग जाती है, बार बार लगती है। चलो जी सब्जियां रखते हैं जी पास और तैयारी करते हैं जी चावलों की। आगे चलिए चावल धो लें। बस मैं तो
ये देखे जी हमारे पौधे, ये जी आम का पौधा है, ये भी आम का, और ये है जी एलोवेरा, और ये है जी लेमन, ये सारा पुदीना वगैरह उधर जी छांव में पड़े हुए थे, आज उठा के जी धूप में रखे हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो जाए जी, उनको सूरज की रोशनी भी मिले। पहले जी ऊपर देख चढ़ा दी है, आवाज होने लगा, शुक्र है जी जल्दी जल्दी खाना बनेगा। सबसे पहले डालते हैं जी घी, आज जी हमारी जो सब्जियां हैं पुलाव बना है, सब्जियों वाला सब्जियां बहुत ज़्यादा है, मटर है जी 1 किलो, आलू है 1 किलो, गाजर है 1 किलो, मैं तो 2 किलो 1.5 किलो लेके आया था, वो जी 1 किलो ही रह गई है कटिंग वगैरह करके, 1 किलो इसे हम घी जो है वो ज़्यादा डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी जी ये मैं प्याज है, तो प्याज ये हमारे छोटे छोटे थे लेकिन ये 2 बड़े प्याज के बराबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच के बराबर, अब इसे डालेंगे जी प्याज, हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए जी लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जी ये टमाटर हमारे 1/2 किलो है जी, और इनको जी डाल देंगे, अब डालेंगे जी अपने मसाला जात, तो मैं उस तरफ थी जी धूप आ रही थी, अब इस तरफ आई तो धुआं आ गया मुँह के ऊपर। चले जी अब डालते हैं जी अपने मसाला जात, है जी नमक, इसको डालेंगे जी 2 चम्मच, 1 चम्मच सूखी मिर्च, ये जी 1 चम्मच डालेंगे ये मोटी मिर्च दादर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ये सूखा धनिया पिसा हुआ, अब मैं डालने लगी हूँ जी इसमें आलू, क्योंकि मसाला हमारा जी रोस्ट हो चुका है, आलू है जी हमारे 1 किलो, अब आलू को रोस्ट करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद जी फिर बाकी जो है वो सब्जियाँ वो डालेंगे। ये देखिए जी आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे जी गाजर, और गाजर है जी हमारी 1 किलो, अब इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, पक रही है सब देख, और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं लग रही चावल से भाजी, सही पाके जी बाजी कह रही थोड़ी हो जाएगी, तो भी बस ये है जी हमारे मटर, मटर है जी 1/2 किलो रह गए, 1 किलो थे 1/2 किलो रह गए हैं, तो अब इनको भी जी डाल देते हैं, क्योंकि गाजर और आलू जो है वो अच्छी तरह हमारे फ्राई हो चुके हैं, और इनके साथ भी अभी और फ्राई होंगे। हाँ जी पानी डाले हैं, कोई वजह देखे जी सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, मैंने इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर दिया, अब इसमें डालेंगे जी पानी, चावल हमारे जी 2 किलो और 3.5 कोल आप पानी डालेंगे, देखिए जी 3.5 किलो हमने पानी डाल दिया है, 2 किलो जी हमारे चावल हैं, और जो सब्जियां हैं जी वो भी हमारे तकरीबन 2-2.5 किलो हैं, वो इतनी है ना 2.5 किलो, तो तकरीबन 3.5 किलो पानी। तो भी मैं पानी को जी उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे जी चावल, पहले मसाले डालो,
फिर चावल डालो। अच्छा जी ठीक है जी, ये मसाला जाता है जी साबुत, ये डालेंगे। ये देखिए जी पानी को उबाल आ चुका है और अब डालते हैं जी साबुत मसाले। ये काली मिर्च है, ये जीरा, ये लौंग, बादियान के फूल, छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी और ये मोटी इलायची। बिस्मिल्लाह। अज़ान जी असर की स्टार्ट हो चुकी है, नमाज भी पढ़ेंगे तो साथ साथ ही हमारे चावल भी पकते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। ये अब डालेंगे जी चावल। अब लगाने लगे हैं जी हम दम, तो उससे पहले जी ये डालेंगे जी इसमें सब धनिया। बिस्मिल्लाह। और ये है जी हमारे लेमन, इनको भी इस तरह डाल देंगे। और ये है जी हमारी सब्ज मिर्चें, इनको भी डालेंगे। दम लग चुका है, अब तकरीबन कितने का जी दम लगाना है, कितने मिनट का? बड़ा लंबा होता है जी, 15-20 मिनट का जी दम होगा कम से कम। मैं नीचे आ चुकी हूँ जी, और ये बर्तन थे, मैं सोचा ये बर्तन भी वॉश कर लूँ। और ये जी मैंने रायते का यहाँ पे सामान तैयार किया है, दोरी नीचे रखी है, रायता भी बनाएंगे। पहले जी बर्तन वॉश करते हैं। बस मैंने जी बर्तन वॉश कर लिए हैं, अब इनको जी खुश होने के लिए रख देते हैं, फिर जी अपना रायता तैयार करते हैं। आज लहसुन नहीं है जी, और ये हम टुकड़ा डालेंगे जी अदरक का। जबरदस्त, आज इसमें जी मैंने लहसुन की जगह अदरक डाला है, क्योंकि लहसुन जी खत्म हो चुका है। तेरे जी ऊपर और चल के जी दस्तरखान लगाते हैं। ये देखिए जी बाजी ने चावल चेक किए हैं, तो जी चावल पक चुके हैं, अब जी उतारने लगे हैं जी। ये दो ईंटें रखी हैं, इसके ऊपर जी रख देते हैं, ठीक है, दस्तरखान लगाए ना बाजी। और ये देखिए जी अभी तवा उधर रखने लगे हैं जी बाजी, ये उसकी जगह उधर है तंदूरी के पास। सूर्य देखें जी अभी बिल्कुल सामने है, और पौने जी चार हुए हैं अभी, दोपहर का ही वक्त है जी। हमारा दोपहर का खाना जो है वो माशाल्लाह तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त जी, आज दिन है ब्राइट ब्राइट माशाल्लाह। ये देखें जी बर्तन बाजी के आई हैं, अब लगाते हैं जी दस्तरखान। ये जी मुझे याद ही नहीं रहा, ये सलाद भी बनाया हुआ है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी जबरदस्त लुक चावलों की, माशाल्लाह जी बहुत अच्छे बने हैं जी, जैसा लग रहा है मेरे सामने देग आ गई है या बिरयानी आ गई है। देखिए जी सब्जियों का पुलाव माशाल्लाह।
खिले खिले जी बने हैं बहुत अच्छे, ये कायनात के चावल हैं जी। चलिए जी डालते हैं जी अब इसको, अब बड़े बर्तन में डालते हैं जी सारे मिलके, इसमें खा लेते हैं, प्लेटों में डालेंगे अभी। क्या लुक आई है जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, ये देखिए व्यूअर्स आपको नज़र आ रहा होगा जी एक एक चावल जो है वो खिला हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं जी। और इसके ऊपर जी दे देते हैं ढक्कन ताकि हमारे बाकी के चावल ठंडे ना हो जाए। चले चले जी चावल डाल चुके हैं जी हमारा, फिर देखिए आज का हमारा दोपहर का खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, सब्जी वाला पुलाव और ये साथ सलाद और ये जी रायता माशाल्लाह जी, डालेंगे सारे डाल के दें जनाब। चले बाजी डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी दाल बनी है, बहुत मजेदार। तो व्यूअर्स खाना जी स्टार्ट करते हैं और आपको जी चक्कर बताते हैं किस तरह का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत भूख लगी हुई है। वाह जी वाह मज़ा आ गया, कमाल के बने, टेस्टी बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार सलाद नहीं देना, इनको जी सलाद अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना, सलाद भी कम खाते हैं रायता भी कम खाते हैं। तो भी बस अब भी खाना खाएंगे और इसी के साथ ही हम वीडियो का एंड भी करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी जो दोपहर की रूटीन है, दोपहर का खाना है, ज़रूर पसंद आया होगा। बस ऊपर आकर जी खाना बनाना और खाना खाना जी बहुत ही अच्छा लगता है, वो सारा दिन जी बिज़ी गुजर जाता है माशाल्लाह जी। तो आप जी हम खाना खाएंगे नीचे चले जाएँगे, तो इसी के साथ ही आप वीडियो का एंड करेंगे और खाना खाएँगे। और हस्बैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देंगे। सबसे पहले जी इतना अच्छा खाना खाने पर जी अल्लाह पाक का जरूर शुक्र अदा करते हैं, और हमारे दोस्त अबाप बहन भाई जितने भी जी हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे जी सबके रिज़्क़ में अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, तो सबको सेहत होता दोस्त। तो व्यूअर्स अब शाम होने वाली है जी, अभी तो दोपहर ही है, खाना जल्द से दिखाते हैं और इजाज़त लें। ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इजाज़त दें, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़। Voilà.